जय हिंद, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। आज हम लोग बीपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल का यहाँ पे सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अब टोटल जो आपका इंग्लिश मीडियम होगा, ऐसे तो हम लोग इंग्लिश में हिंदी दोनों में करेंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में ही दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि रेजुनेटेड और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म क्या है। इसमें आपको बीपीएससी जो है आपका एक क्वेश्चन दे ही देता है और पिछले साल भी दिया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजुनेटेड लैंडफॉर्म है या इसके बारे में हम पॉलीसाइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेजुनेटेड लैंडफॉर्म क्या होते हैं। तो रेजुनेटेड लैंडफॉर्म जो होता है आर दोज लैंडफॉर्म इन विच द प्रोसेस ऑफ आउटगोइंग इरोजन साइकिल इज एक्सीलरेटेड सडनली। जो इरोजन साइकिल होता है वो तुरंत एक्सीलरेट हो जाता है, अचानक से एक्सीलरेट हो जाता है या फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। द रेजुनेशन ऑफ द लैंडफॉर्म ऑकर आइदर बाई वर्टिकल राइज ऑफ द लैंड और बाई फॉल ऑफ द सी लेवल। या तो लैंड का राइज होता है, वर्टिकल राइज होता है, या तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ होगा, एक तो या तो लैंड ऊपर उठ जाएगा या फिर जो है सी लेवल डाउन चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, लैंडफॉर्म शो होने लगता है, दिखने लगता है। नेक्स्ट है, द राइजिंग ऑफ द लैंड और फॉल ऑफ द सी कैन हैपन सडनली और इट कैन बी हैपन ग्रेजुअली। या तो ये अचानक हो सकता है या फिर धीरे धीरे हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंडोजेनिक फोर्स आर और टेक्टोनिक अपलिफ्ट इंक्रीज द रिलीफ ऑफ द लैंडफॉर्म एंड द राइज ऑफ लैंड। तो इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो एक तो होता है टेक्टोनिक फोर्स आ जाएगा, दूसरा आपका एंडोजेनिक फोर्स हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आपका यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपको लैंडफॉर्म शो करवाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कूलिंग, यहाँ पे एक इंपैक्ट आता है ग्लोबल कूलिंग का, जो कि क्या करता है, फॉल इन द सी लेवल। अगर ग्लोबल कूलिंग होगा तो सी लेवल में डीप करेगा, सी लेवल डाउन जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका में जो आइस है वो पिघलेगा और उससे क्या होगा, सी लेवल राइज कर जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कॉज द रिजर्वेशन ऑफ द लैंडफॉर्म इन हाई लैटिट्यूड और द मेल्टिंग ऑफ द आइस रिड्यूस द सर्फेस प्रेशर रिजल्टिंग इन द वर्टिकल एलिवेशन ऑफ लैंडफॉर्म। मान लीजिए कहीं पे भी आपका आइस है, यहाँ पे मान लीजिए इस सर्फेस पे आइस है और यहाँ पे आइस का पहाड़ है, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर लगाएगा, ये डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा। इससे क्या होगा, अगर ये मेल्ट करने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर कम लगाएगा और ये जो है लैंड उठने लगेगा, लैंड धीरे धीरे उठने लगेगा, यही बताया गया इसमें। नेक्स्ट है एग्जांपल बताया गया यहाँ पे कौन सा, दामोदर वैली झारखंड में। जो झारखंड का दामोदर वैली है वो आपका रेजुनेटेड लैंडफॉर्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट है और कौन कौन सा यहाँ पे एग्जांपल आता है, तो न्यूफाउंडलैंड का एग्जांपल आता है, अलास्का का एग्जांपल है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का आता है, आर इन द प्रोसेस ऑफ रीजन में से, ये आपका धीरे धीरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द मेन रीजन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द अबव लैंड मास, यानी ये सब लैंड मासेस का जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है वो वेस्ट क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है वेस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्लेट, यानी नॉर्थ अमेरिका का प्लेट वेस्टवर्ड जा रहा है और ईस्ट अमेरिका का ईस्ट जो ईस्टर्न मूवमेंट है किसका, पैसिफिक ओशन प्लेट का, और पैसिफिक ओशन का क्या जा रहा है, ईस्टर्न मूवमेंट कर रहा है, और तो इस वजह से क्या हो रहा है, बीच में गैप आ रहा है और वहाँ पे लैंडफॉर्म दिखाई दे रहा है, लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आइस फ्रॉम अलास्का, अलास्का में जो आइस है वो पिघल रहे हैं एंड सरफेस प्रेशर इज डिक्रीजिंग, और वहाँ पे सरफेस प्रेशर जो है, प्रेशर जो आइस लगाते हैं वो कम हो रहा है, सो अलास्का इसलिए क्या हो रहा है, अलास्का राइज कर रहा है। नेक्स्ट है द हिमालय रीजन में क्या हो रहा है, इट इज आल्सो राइजिंग बट द रेट ऑफ अपलिफ्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, यानी जो है हिमालयन रीजन में भी अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें हैं थोड़ा हर जगह पे अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन कहाँ पे है, तो नंगा पर्वत के पास है, नंगा पर्वत के पास सबसे ज़्यादा एलिवेशन है और बाकी जो है और सब में भी एलिवेशन है लेकिन वहाँ पे स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे टाइप देख लीजिए, तो तीन तरह के टाइप है आपका, डायनेमिक रेजुनेशन है, यू स्टैटिक रेजुनेशन है और आपका स्टैटिक रेजुनेशन है। तो डायनेमिक क्या हो जाएगा, डायनेमिक में भी तीन तरह का आएगा, आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमास का अपलिफ्टमेंट होगा, डाउनवर्ड इन आउटलेट और आपका डाउनफॉल इन आउटलेट और आपका टिल्टिंग ऑफ लैंड का टिल्ट होना। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये आपको नोट्स के तौर में प्रोवाइड किया, आप उसको लिख सकते हैं आसानी से, आपको ये फायदा होगा। और चलिए, डायनेमिक रिजर्वेशन मे बी कॉज बाय द एपिरोजेनिक अपलिफ्ट ऑफ मास, तो यानी जो इसका जो डायनेमिक रिजर्वेशन होगा यहाँ पे एपिरोजेनिक अपलिफ्ट भी हो सकता है किसी भी लैंड मासेस का। नेक्स्ट है आपका, ईओस्टैटिक रिजर्वेशन क्या है, इट इज कॉज ड्यू टू द चेंज इन द सी लेवल, सी लेवल में चेंज होगा तभी जाके ये होगा, और इसमें क्या क्या होगा, ग्लेशिएशन लीड्स टू द डिक्रीज इन सी लेवल। अगर ग्लेशिएशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज सी लेवल में डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ग्लेशिएशन, हाँ अगर ग्लेशियम बढ़ेगा, देखिए मान लीजिए ग्लेशियर बढ़ता है तो आप क्या होगा, पानी का ही तो ग्लेशियर बढ़ेगा और इससे क्या होगा, सी लेवल क्या करेगा, अगर आपका वो हो जाएगा डिक्रीज करेगा। अगर ग्लेशिएशन होता है तो सी लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, लेकिन वही ये ग्लेशियर क्या करेगा, पिघलेगा तो क्या सी लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा। ये चीज़ है, ग्लेशिएशन होगा तो आपका सी लेवल डिक्रीज करेगा और अब ये पिघलेगा तो सी लेवल राइज कर जाएगा।
डायस्टॉफिक फैक्टर कौन कौन सा है, तो डायस्टॉफिक फैक्टर में क्या कहा जाएगा, तो सब्सीडेंस और सी फ्लोर, सी फ्लोर का सब्सीडेंस होना और राइज इन कोस्टल लाइन और कोस्टल लाइन का उड़ जाना, तटीय रेखा का उड़ जाना। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज कॉज विदाउट एनी वर्टिकल चेंज एज फॉलो, तो कोई भी प्रकार का वर्टिकल चेंज होता है यहाँ पे वही राइज हो जाएगा। इंक्रीज इन द रिवर वॉल्यूम ड्यू टू हाई रेनफॉल और हाई मेल्टिंग वाटर, ठीक है, और इंक्रीज इन द रिवर वॉल्यूम ड्यू टू यूज ऑफ मेन रिवर कैप्चर एंड डिक्रीज इन द रिवर लोड, ये तीन तरह से क्या होगा फैक्टर जो किसको डेवलप करेंगे, आपका स्टैटिक रिजर्वेशन को डेवलप कर जाएगा। इंक्रीज इन रिवर वैल्यू में रिवर वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाना किसकी वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से, या फिर जो ज़्यादा अगर मेल्ट करेगा आइस तो उसके वजह से भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज इन रिवर वॉल्यूम ड्यू टू मेन रिवर कैप्चर, अगर मेन रिवर कैप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर भी आपका रिवर वाटर लेवल राइज कर जाएगा, वॉल्यूम राइज कर जाएगा और डिक्रीज इन द रिवर लोड, और रिवर लोड में डिक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक रिजर्वेशन में इज कॉज बाय द डिक्रीज इन द लोड क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज इन द लोड हो जाएगा। इंक्रीज इन रन ऑफ यूजुअली इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर आफ्टर द ग्लेशियर हैव मेल्टेड लीड्स टू वैली गेट डीपर, उससे देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो शुरुआत में क्या होता है आपका बहुत यहाँ पे रन ऑफ जो होता है बहुत तेज होता है, जिसके वजह से क्या होता है अपर कोर्स में ही क्या होता है रिवर जो होता है ग्लेशियर है मेल्ट करता है और वहाँ पे वैली से डीप बनाता है, वहाँ पे वैली क्या बनेगा बहुत डीप बनाता है। अब देखिए पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म क्या होता है, तो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म जो होता है आर द टोपोग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिजर्वेशन, दे आर मेनली फोर टाइप, तो चार तरह का होता है, टोपोग्राफिकल डिस्कॉर्डेंस होता है, फिर अपलिफ्टेड पेनीप्लेन होगा, इन साइज मीएंडर होता है और निक पॉइंट हो जाएगा, ये चार पॉइंट यहाँ पे होगा किसका पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का हो जाएगा। नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल डिस्कॉर्डेंट क्या होता है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू ऑफ रिवर, यानी वैल्यू ऑफ रिवर का जो यूनिफॉर्मिटी होगा वो कम होते जाएगा। बेसिकली दिस डिनोट द क्रिएशन ऑफ ओल्डर टॉपोग्राफिक फॉर्म अबव द यंगर टॉपोग्राफिक फॉर्म बिलो द ओल्डर वन, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल सा कि बेसिकली दिस डिनोट दैट क्रिएशन ऑफ ओल्डर टॉपोग्राफिक, यानी ओल्डर टॉपोग्राफी का क्रिएशन होगा फ्रॉम अबव एंड द यंगर टॉपोग्राफिक फॉर्म बिलो द ओल्डर वन, तो यंगर टॉपोग्राफी कहाँ पे होगा, तो बिलो होगा किसके यंगर वन ओल्डर वन के, यानी ये ओल्ड हो जाएगा और फिर बिलो क्या होगा इसके नीचे क्या है यंग वंस आ जाएगा, यंगर आ जाएगा, फिर उसके नीचे यंगर आएगा, ऐसे करके चलता है, इस तरह से डेवलप होता है रिवर वैली। नेक्स्ट है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वैली इन वैली, इसमें वैलियों में वैली यहाँ पे दिखता है, यानी पेयर टेरेस होगा यहाँ पे वैली में वैली दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज ड्यू टू द राइज इन द लैंड ऑफ कोर्स ऑफ रिवर दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द डाउन कटिंग ऑफ द रिवर, यहाँ पे वैली में क्या होगा डाउन कटिंग भी चलेगा साथ में, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ ए पेयर टेरेस, वहाँ पे टेरेस जो है पेयर में दिखेगा और ऑन बोथ साइड ऑफ द ड्यू टू फॉल इन द रिवर, तो रिवर जो आपको ऐसे ही चलेगा ऐसे चल के ऐसे में डायग्राम तो इसी तरह नहीं ऐसे ही चलेगा, इस तरह से आपको टेरेस में पेयर में दिखेगा आपको यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके आपका बनेगा। फिर है आपका यहाँ पे रिपीटेड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म कॉज क्रिएशन ऑफ न्यू पेयर टेरेस आफ्टर द ईच अपलिफ्ट ऑफ लैंड, तो हर अपलिफ्ट में क्या गया नया लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा, रिपीटेड अपलिफ्ट बार बार अगर अपलिफ्टमेंट होता है लैंडफॉर्म का तो ये क्रिएट करेगा न्यू पेयर ऑफ टेरेस आफ्टर ईच अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड हो जाएगा, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और है दामोदर, एग्जाम्पल में दे दिया आपका कौन सा दामोदर वैली का, दामोदर रिवर का झारखंड में, और जितने भी रिवर उत्तराखंड से बहते हैं तो वो तीन पेयर टेरेस है रिफ्लेक्टिंग करते हैं तीन फेज अपलिफ्टमेंट, तो तीन पेयर टेरेस क्या दिखेगा, तीन पेयर टेरेस दिखेगा आपका कि तीन फेज में आपका यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ है। नेक्स्ट है आपका अपलिफ्टेड पेनीप्लेन, ये क्या है आपका दिस टाइप ऑफ रेन लैंडफॉर्म डेवलप्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट इन द रीजनल एरिया नॉट इन द सोर्स रीजन, ये कहाँ पे हुआ जहाँ पे रीजनल एरिया वहाँ पे हुआ ना कि सोर्स रीजन पे हुआ है, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिन जहाँ ओरिजिनेट हुआ है वहाँ पे नहीं हुआ, जहाँ से ये निकला है वहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे किसी रीजन में आता है तो उसी रीजन में अपलिफ्टमेंट हुआ है। नेक्स्ट दे आर फॉर्म ड्यू टू कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इरोजन, ये कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इरोजन की वजह से क्या है बनते हैं, कॉज ड्यू टू कंटिन्यूस रिजर्वेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू पैटलैंड मेस, कौन सा एग्जाम्पल है जैसे पैटलैंड है रांची प्लेट्यू का पैटलैंड हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका अपलिफ्टेड पेनीप्लेन का। नेक्स्ट है इनसाइज मेंडर देख लीजिए यहाँ पे, एज द नेम सजेस्ट है, ऐसा कि नेम बताता है कि दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, ये एक तरह का स्पेशल टाइप है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का, फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल इंसीजन ऑफ हिज वैली ऑफ हिल वैली का वर्टिकल इंसीजन होता है बाई रिवर ड्यू टू फॉल इन द सी लेवल विच इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर लीडिंग टू द वर्टिकल इंसीजन ऑफ वैली फ्लोर ऑफ द रिवर इन द फॉर्म ऑफ मीएंडर, तो सिंपल सा लिख लीजिएगा एज द नेम सजेस्ट दीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल इंसीजन ऑफ द रिवर वैली बाई रिवर ड्यू टू फॉल इन द
सी लेवल, अगर हम सी लेवल फॉल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो है रिवर का जो कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, लीड्स टू वर्टिकल इंसिजन, वो क्या करेगा वर्टिकल काटने लगेगा फॉर द फ्लोट फ्लोर ऑफ द रिवर इन द फॉर्म ऑफ मियंडर, मियंडर के रूप में नीचे से काटने लगेगा, वर्टिकल काटेगा, लिख लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पे, सिंपल सा फॉर्म है। निक पॉइंट हो जाएगा आपका, निक पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, निक पॉइंट हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट ब्रेक इन द स्लोप, स्लोप में ब्रेक आ जाना, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द रिवर, दिस इज फॉर्म ड्यू टू रेजिनुवेशन विच लीड टू द फॉल इन द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द रिवर, हेंस इट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ रेजिनुवेशन विच रजिस्टर एज ग्रेजुअल रिसेसन, तो इसको अपने से भी लिख दीजिएगा आराम से कि इसको हेडवर्ड रेजिनुवेशन होता है ये। और जैसे एग्जांपल हो जाएगा हुंडूपाल सेवन रेखा नदी पे है, और निक पॉइंट जो होता है निक पॉइंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल विच इज नोन एज निक पॉइंट फॉल और निक फॉल, इसको निक फॉल भी कहते हैं। तो ये एक हमारा जो है आपको इसको याद करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में है ये, लेकिन आपको यही मिला ही है, और आप बेसिकली अपने आप से समझ से आप लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसको क्या है रट्टाफिकेशन मारना है, जाके वहाँ पे चिपका देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में है, देखिए देखिए यहाँ पे कैसे बोला है, लैंग्वेज कैसे चेंज करा है, ये मैंने ही आपका गूगल से सर्च किया है, वहाँ से लिखा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, ये तो समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। इट रिप्रेजेंट ब्रेकिंग स्लोप, ठीक है ये भी आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द रिवर, दिस इज फॉर्म ड्यू टू रेजिनुवेशन विच लीड टू द फॉल इन द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द रिवर हेंस, रिवर हेंस ये तो नो आइडिया। और दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द रिजर्वेशन विच रजिस्टर ग्रेजुअल रिसेसन, तो इसमें क्या क्या दो तीन बार आप पढ़िएगा ना इसको आराम से, तो ये आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, माइंड में चला जाएगा, तो आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको क्या क्या अगर आ गया तो क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैथ पूरा का पूरा यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, एक आध महीना में मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा ज्योग्राफी ऑप्शन का, जो भी आपका बीपीएससी का सिलेबस है इंग्लिश मीडियम में, और साथ में मैं हिंदी मीडियम को भी यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।